हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज मैं आपको एक्सेल का बेहतरीन फॉर्मूला एंड फॉर्मूला सिखाऊंगा। ये फॉर्मूला आपको अलाउ करता है कि अप टू 255 कंडीशंस को चेक करे कि वो सारी कंडीशंस मीट होती हैं या नहीं होती हैं। ये वेरीफाई करेगा कि वो सारी कंडीशंस मीट होती हैं तो ट्रू देगा, अगर अगर उनमें से एक भी कंडीशन अगर फेल होती है तो ये फॉल्स देगा। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे मैंने कुछ लिए आइटम टू टेस्ट। यहां पे अगर हम देखें तो मैंने यहां पे लिखा है 500, 800, 525, 25 और 500 और यहां पे सिर्फ 12 और यहां पे मैंने एक रिजल्ट रखा है, ट्रू आ रहा है। यहां पे एंड फॉर्मूला लगा है। मैंने क्या चेक करा है कि क्या सेल नंबर B5 और सेल नंबर C5 इन दोनों में कंडीशन लगाए कि क्या अगर B5 200 से ज्यादा हो और C5 500 से ज्यादा है तो यहां पे ट्रू देना। ऐसे ही हमने कंडीशन लगाएंगे यहां पर। आइए कैसे लगाया है मैं दिखाता हूं आपको। इज इक्वल टू एंड, अब ये बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट 1। तो लॉजिकल टेस्ट 1 में हम पहले सेल को चुनेंगे जहां पे कंडीशन लगानी है। अब मान लीजिए हम ये कंडीशन लगाते हैं कि B6 शुड बी ग्रेटर देन 300 कॉमा, अगली लॉजिकल कंडीशन लगाते हैं हम कि सेल C6 शुड बी ग्रेटर देन 10। अगर ये ऐसा है तो ही ट्रू होगा, अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू दिखा रहा है। सी, वैसे ही एक और कंडीशन हम यहां पर लगाते हैं कि इज इक्वल टू ए एन डी एंड लॉजिकल टेस्ट 1, 25 सेल नंबर B7 शुड बी ग्रेटर देन से 30 कॉमा एंड अगली कंडीशन है हमारी कि सेल C7 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 450। ऑलराइट, अब ये फॉल्स आएगा क्योंकि यहां पे हमने कंडीशन डाला है कि B7 30 से ज्यादा हो जबकि B7 25 है। एक कंडीशन मीट हो रही है C7 वाली, सेल C2 कंडीशन मीट हो रहा है, 450 से ज्यादा है। हाँ ज्यादा है, देखा, दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी फॉर्मूला ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। एंड का यही स्पेशलिटी है कि इसके लिए जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी ट्रू होनी चाहिए। इसके बेस पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया, बेहतरीन सा एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिए हैं, सुमित, राजेश, कैरल, डेविड, सुपरमैन भी है, वुल्वरीन भी है, क्रिस गेल है, हैरी पॉटर है, स्पाइडरमैन है, जेनिस है। ये इनके मैथ्स के मार्क्स हैं यहाँ पर, यहाँ पे इनके इंग्लिश के मार्क्स हैं, यहाँ इनके फिजिक्स के मार्क्स हैं। देखिए सुपरमैन फिजिक्स के पेपर में एब्सेंट हो गया था, ये उड़ता उड़ता ज्यादा रहता ना तो ये फिजिक्स में मानता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैंने सिर्फ उन लोगों को पास रखा है कि जिनकी मार्क्स पूरी क्लास की एवरेज मार्क्स से ज्यादा है। ऑलराइट, सो सिर्फ वही लोग पास होंगे सारे सब्जेक्ट्स में। इस सबका एवरेज, अगर उनके मार्क्स क्लास के मार्क्स के एवरेज से ज्यादा हैं हर सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में, तभी वो पास होंगे। यहां पे देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया, आइए मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। F2 दबाने से हम एडिट मोड में आ जाते हैं जहां पे हमें फॉर्मूला दिख जाता है। यहां पे मैंने क्या करा है, एंड फॉर्मूला लगाया है और ये लिखा है कि H5 यानी कि ये वाला सेल, अगर इसकी एवरेज इस पूरे से ज्यादा है, ऑलराइट, ज्यादा है या इक्वल टू है, और फिर I5 यानी कि इंग्लिश के मार्क्स इसकी एवरेज या इससे ज्यादा, इस स्टूडेंट की एवरेज इससे बराबर है या ज्यादा है, और फिर फिजिक्स में स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स जो हैं, जिनके मार्क्स जो हैं वो इसके एवरेज से बराबर है कि ज्यादा है। अगर ऐसा है, तीनों कंडीशन मैच होती हैं, तो यहां पर ट्रू लिखा आ जाएगा, ट्रू यानी पास। ऑलराइट, आइए फॉर्मूला मैं आपको लगा के दिखाता हूं। यहां पे हम नीचे से फॉर्मूला डिलीट कर देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। इज इक्वल टू सबसे पहले एंड का फॉर्मूला, एंड लिखेंगे, लॉजिकल टेस्ट हमारा ये वाला सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज, लिख के ब्रैकेट ओपन, किसकी एवरेज, इस पूरी रेंज की, राइट। इसको हम फिक्स कर देते हैं F4 दबा के। ये देखिए डॉलर साइंस आ गए, ये फिक्स हो गया, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, अगली कंडीशन फिर से एंड ब्रैकेट ओपन, अब
हम इस सेल की बात कर रहे हैं, इस सेल पे हम क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसका एड्रेस टाइप कर देते हैं I6 है इसका एड्रेस, I6 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज इस रेंज का, सी F4 दबाएंगे, रेंज लॉक हो गया हमारा, खूंटा गाड़ दिया हमने। कॉमा तीसरी कंडीशन है, ध्यान रहे अब 255 कंडीशंस तक लगा सकते हैं इसमें। एंड अगला है हमारा ये वाला सेल J6, हम टाइप कर देते हैं इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एवरेज किसका, फिजिक्स का, अगेन F4 दबा के हमने खूंटा गाड़ दिया, इनको लॉक कर दिया, और इसमें हमने आगे हमारे ब्रैकेट्स पूरे लगा दिए और ये फॉल्स हो गया। ये फॉल्स कैसे हो गया आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैंने एवरेज निकाला हुआ इस रो का है एवरेज 47, सो सुमित के मार्क्स यहाँ पे 47 से ज्यादा है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आइए मैं आपको एवरेज लगाने का एक और तरीका भी बताता हूँ, ऑल्ट एच यू ए, ऑल्ट एच यू ए, इसको लगा के आप एवरेज कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर से देखिए मैं इसकी अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज बराबर कर रहा हूं, ऑल्ट एच यू ए, ऑल्ट एच यू ए याददाश्त के लिए आपके। अब देखिए यहां पे हम बात कर रहे थे राजेश की, राजेश के 50 मार्क्स हैं यानी कि 47 से ज्यादा हैं, नो इश्यूज। यहां पे उसके इंग्लिश में 30 मार्क्स हैं जो कि 54 से कम हैं, और यहां पे उसके फिजिक्स में 54 मार्क्स हैं जो कि अगेन 40 से ज्यादा है, यानी कि उस बंदे के एवरेज से कम मार्क्स हैं, तो यहां पे फॉल्स आ गया। ऑलराइट, उम्मीद करता है फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। इस फॉर्मूले को हम यहां से फटाफट यहां पे नीचे हम कॉपी कर सकते हैं और सारे में आंसर आ गया हमारा। ये ट्रेनिंग फाइल जो आप देख रहे हो आप डाउनलोड करते कर सकते हो mylesson.org पर। एक्सक्यूज मी, सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अगले वीडियो तक, दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी एक्सेल लर्निंग।